बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम अल्लाह की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शुक्रिया। तो यहाँ सुबह के 8 हो रहे हैं और यहाँ अभी सही से दिन नहीं निकला और अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है। सुबह सुबह हम निकले हैं वॉक के लिए और बिल्कुल पुलिस स्टेशन के सामने खड़े होकर मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। तो अभी हम आए हैं जी मॉर्निंग वॉक के लिए लिस्टर पार्क। बारिश में मॉर्निंग वॉक होगी। यूके में है ना तो यहाँ मौसम का कोई पता चलता नहीं, और दूसरा हम आए भी सर्दियों में हैं तो सर्दियों में वैसे ही पता नहीं चलता कब बारिश होना शुरू हो जाती है। वेलकम टू लिस्टर पार्क एंड कार्टवेट हॉल आर्ट गैलरी। ये जो सामने आप देख रहे हैं अभी ये आर्ट गैलरी है, लेकिन किसी वक्त में ये किसी का घर हुआ करता था। रेडफुट का एक काफी बड़ा बिजनेसमैन था, ये उसका घर था। ये सारी पार्क जो है ना उसकी थी। बहुत सी बतकें पानी के अंदर हैं और बहुत सी बतकें जो है ना वो बाहर घूम रही हैं। काफी मजेदार और खूबसूरत जगह है जी। इस तरफ बच्चों के खेलने के लिए जगह है। वेलकम टू लिस्टर पार्क प्ले ग्राउंड। थोड़े पहाड़ी सिलसिले में है ब्रेडफोर्ड। कभी ऊपर आप चले जाते हैं, कभी आप नीचे आ जाते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। तो ये पार्क भी उसी तरह है, कभी आप ऊपर जाते हैं कभी आप नीचे आते हैं, मतलब एक लेवल की नहीं है। हमारे बच्चे यहाँ हो ना तो भाई साहब वो घर जाए ही नहीं, वो कह दे इधर ही खाना ला दो हमें, हम इधर ही रहेंगे। 10 o'clock ओके। इस तरफ रही जी आर्ट गैलरी। वाह, इतना बड़ा पत्थर इस्तेमाल किया हुआ है ना। आर्ट गैलरी जी 10 बजे ओपन होती है, अभी बंद है। तो अगर अगेन हम लिस्टर पार्क में आए 10 बजे के बाद तो फिर जरूर देखेंगे भी और आपको भी दिखाएंगे। तो अभी नीचे आए हैं हम, यहाँ फाउंटेन्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारी तरफ कहते हैं जी सर्दी और बेइज्जती जितनी ज्यादा फील करोगे ना उतनी आपको लगेगी। सर्दी बहुत ज्यादा है लेकिन हम फील नहीं कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि ये फील ना करने की वजह से हमारी तबीयत जो है ना वो खराब हो सकती है। ये रहा जी लिस्टर का स्टैचू 1875 वे आउट। यहाँ से अभी हम एग्जिट हो जाएंगे जी। अभी हमने ये रोड क्रॉस करना है, रोड खाली है लेकिन फिर भी पुश बटन वेट फॉर सिग्नल ये हमने दबा दिया। अभी ग्रीन होने का इंतजार करेंगे हम। हो जा प्लीज हो जा ओए यस। चलें, साथ ही अभी हम गुजरे भी नहीं और रेड हो गया। मुबारक हो भाईजान बहुत बहुत आपको कि आपको फाइनली वाटरमेलन मिल गया है। एक वाटरमेलन जी 2 pound का है, मतलब कि पाकिस्तानी 500 से ऊपर का एक है, और वो कहता है इट्स वेरी चीप। जमील फूड स्टोर, ये स्टोर है, अंदर बाकी चीजें मिलती हैं और सब्जियां वगैरह जो है ना ऐसे बाहर लगाई हुई हैं। ये किसी वक्त में लिस्टर मिल हुआ करती थी, यहाँ कपड़ा तैयार होता था। जिस बंदे की पार्क में गए थे ना उसकी मिल थी ये, लेकिन अभी यहाँ अपार्टमेंट बहुत महंगे महंगे। पाकिस्तानी रुपीज में कितने का हो गया एक अपार्टमेंट? एक अपार्टमेंट सस्ती तो सस्ती तकरीबन 5-6 crore। वी आर गेटिंग लेट, ऐसे कहते हैं इंग्लिश में जी। वी आर गेटिंग लेट, वी आर गेटिंग लेट, वी आर गेटिंग लेट इन यूके एक्सेंट। हम जुमा की नमाज के लिए जा रहे हैं, यहाँ 1 बजे जुमा होता है। और अभी टाइम क्या हो रहा है? नहीं टाइम है अभी, कितना टाइम लगेगा हमें मस्जिद तक? 5 मिनट फिर हम पहुँच जाएंगे। एक होने में अभी टाइम है। वी आर ऑन टाइम, यूके के एक्सेंट में कहेंगे तो क्या होगा? वी आर ऑन टाइम। हमारे आगे आगे टेस्ला जा रही है, इतनी करीब से पहली दफा मैंने टेस्ला को देखा है, बाकी वीडियोस में ही देखा है इसे मैंने। मीट हिज माय न्यू मैनेजर। प्रमोशन, ऑल यूके प्रमोशंस आर डन अंडर सलमान एंड कोऑपरेशन। ये सारी चीजें आपने याद रखनी है, हमने कहाँ जाना है, कब क्या करना है, बिकॉज यू आर माई मैनेजर। यस। मौसम आज सुबह से ही माशाल्लाह प्यारा है, मेरा फेवरेट मौसम है बारिश वाला, लेकिन यहाँ के लोगों को बारिश पसंद नहीं है क्योंकि यहाँ रहती बारिश है, लेकिन मुझे काफी पसंद है बारिश। ये है मस्जिद माशाल्लाह। ओके सॉरी माय बैड। ये है मस्जिद माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी है। वालेकुम सलाम। जी जी बज गया तुहाडे तक। मुबारक सलावतुल्लाह अलैका या रसूल अल्लाह।
मस्जिद जो है माशाल्लाह बहुत बहुत ही खूबसूरत है और डबल स्टोरी है, मतलब ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर ज़बरदस्त। और हम थोड़े लेट थे तो हमें फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ा, हम ग्राउंड फ्लोर पे नमाज़ नहीं अदा कर पाए क्योंकि रश काफ़ी था माशाल्लाह, जो कि अच्छी बात है। Yeah, he's because he's my manager. 10 minutes is too short. How can you manage 10 minutes? He's manager, Atna. So he will manage. पहले मुझे cars बिल्कुल पसंद नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब से मैंने driving सीखी हुई है ना, तब से cars मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरी favorite Range Rover. मैंने कभी चला के नहीं देखी है, सिर्फ वीडियोस में देखी है। पहली दफा इतने करीब से मैं रेंज रोवर देख रहा हूँ। रेंज रोवर भाईजान की, आपका नाम सजाद। रात को भाई से मिले, भाई मेरे वीडियो मेरी वीडियोस देखते हैं और कहते हैं कि जैन आपको रेंज रोवर पसंद है। मैंने कहा हाँ जी, कहते हैं मेरे पास है, सुबह मैं लेके आऊंगा। और भाईजान को भी बहुत पसंद है रेंज रोवर। 20 है ये, अभी 22 आएगी इंशाल्लाह। वो ऑर्डर कर दी हुई आपने? माशाल्लाह, मैं आता हूँ पाकिस्तान से होके। पे नहीं चलाने वाले हैं, सिर्फ पार्किंग में ही चलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक ने चाहा तो अपने पास भी रेंज रोवर होगी इंशाल्लाह। स्टार्ट इंजन, वाह अमेजिंग। ये तो चंद सेकंड्स में सो पे जाए भाई साहब, जबरदस्त भाई जान, कमाल की गाड़ी है। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह पाक आपके मजीद नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन। ये कितने की है पाकिस्तानी रुपीस में? ये मेरे ख्याल से 90 लाख की है। पाउंड में ये 40,000 की है, अभी 42,000 की। दो मिनट अब अभी मैं आपको राइड देता हूँ। ओके ओके। नहीं वो नहीं, ये यूट्यूबर हूँ मैं। काश कि मेरे पास लाइसेंस होता, ये उड़ती गाड़ी भी लेकिन नहीं है यार। आपको कैसे पता चला था मेरी फेवरेट रेंज रोवर है? वो आपने वीडियो में बताया था ना आपने? एक दो दफा ही नाम लिया, दो दफा आपने नाम लिया था। और ये सामने मर्सिडीज का वर्कशॉप है और शोरूम भी है। शोरूम इस तरफ है, वर्कशॉप इस तरफ है। भाई अभी कुछ अरसा हुआ है ना, तो मैं अपने वाइफ को कार में बता रहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि जैन भाई इधर आए, इधर इंग्लैंड में, तो मैं उनको दूंगा आप ये गाड़ी चलाएं। ये मैं सही कह रहा हूँ? ख्वाहिश पूरी हो गई, आपकी ख्वाहिश पूरी और मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है। मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है। कई दफा इंसान कुछ बोलता है ना, कुछ बोलता है तो वो हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल। और ये गई जी किया स्पोर्टेज अपनी, सेम टोटल शेप सेम है यहाँ, और आपकी व्हाइट है और ये ब्लू में हो हमारी व्हाइट। रेंज रोवर को चला के मजा आ गया, थैंक यू सो मच। अभी BMW X5 वो अभी इधर ही चलाएंगे, इतनी मतलब महंगी महंगी गाड़ियाँ। अभी ये रही BMW X5 स्पोर्ट्स, ये बहुत बड़ी गाड़ी है। ये बड़ी सी गाड़ी चला ले, मॉन्स्टर। रेंज रोवर की निस्बत बहुत हैवी फील हो रही है चलाते हुए। ये बड़ी है। एक आप चाय आए खाए। हाय 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 पिंकी, थैंक यू सो मच भाई जान। आप लेंगे? नहीं, पक्की बात है। तो यहाँ कचरा जो है ना ऐसे बाहर डस्टबिन्स में रख दिया जाता है। अभी महफूज भाई एक्सप्लेन करेंगे आप, ये कौन सा है? ये रिसाइकलिंग है। ये रिसाइकलिंग है जिसमें रिसाइकल हो जाता है। तो हाँ। जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है वो ग्रीन बिन होते हैं, ये ब्लैक बिन है, इसको रिसाइकलिंग कहते हैं। इनमें सिर्फ जो है ना प्लास्टिक कार्डबोर्ड ये सिर्फ डाल सकते हो, कोई ग्लास शीशे की चीज़ें नहीं। शीशे की चीज़ें सही हो गया। और वो दूसरे होते हैं? वो दूसरा होता है डोमेस्टिक वेस्ट। ओके, जो ग्रीन ठीक हो गया। हर हफ्ते दो हफ्ते बाद कलेक्शन होती है। जिसमें शीशे की चीजें डालनी है वो ग्रीन कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा। और जो रिसाइकलिंग वाला है वो ब्लैक में होगा। होगा अभी जी हम ब्रेडफोर्ड से लीड्स जा रहे हैं और ब्रेडफोर्ड से लीड्स का सफर है 20 मिनट्स का, ज्यादा दूर नहीं है। लीड्स दूसरा शहर है, ब्रेडफोर्ड दूसरा शहर है।
सही है। और हम अभी जेट लैग में जा रहे हैं, यहाँ पे टाइम क्या हुआ है, आठ होने लगे हैं और मुझे अभी से नींद आना शुरू हो गई हुई है। मतलब यहाँ पे हम जल्दी सो जाते हैं और बहुत जल्दी उठ जाते हैं यहाँ के हिसाब से, क्योंकि हम पाकिस्तान के साथ चल रहे हैं ना, और पाकिस्तान में अभी 8 में 5 घंटे आप ऐड कर लें, हैं हम यूके में, नींद हमारी जो है ना वो पाकिस्तान के हिसाब से चल रही है। वालेकुम सलाम, क्या लेंगे सर? हाँ, एक आपका स्पेशल, स्पेशल तो मैं हूँ यहाँ पे, आप क्या लेंगे स्पेशल? आप लेंगे मकीटो। मकीटो वो क्या होता है? ठीक है, मायामी ब्लू। वो इतनी बड़ी दुकान चला रहे हैं मकीटो का। भाई जान वो क्या होता है? मकीटो, मकीटो, मकीटो वो है जो मकीटो वो पीछे पड़ी थी आप। अच्छा, एक मेफेयर स्पेशल, वो क्या होता है? वो मिल्क शेक। अच्छा, मिल्क शेक होता है मेफे स्पेशल। अभी मेरी इंग्लिश भी कम, हाँ हो गया जी। और एक चीकी, चीकी चिकन फिलिप बर्गर, वो चीकी जो होता है ना चीकी। हाँ, इतने मुश्किल मुश्किल लफ्ज है जो कि मैं अभी जिंदगी में पहली दफा सुन रहा हूँ, चीकी चीकी बर्गर। क्यों खाना आपने, क्या मजबूरी क्या है, है? कोई आसान सा चीज खा लो ना। इतनी दूर से आए मैं स्पेशलिस्ट, 20 मिनट दूर से आप आए हैं। हाँ, ये ब्रेडफोर्ड है और ये लीड्स है। तो ब्रेडफोर्ड में कितनी दुकानें हम छोड़ के आए हैं? ये बस आपका प्यार है, चिकी चिकन। ओके ओके, चिकी प्रॉन्स। मैं प्रॉन्स नहीं खाता, सॉरी। मैं खाता हूँ। नहीं, वो हम रखते ही नहीं, जो मैं नहीं खाता वो हम क्यों रखेंगे। हाँ, कुछ और बताएं। आपके 18.47 pounds हो गए हैं। हम कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये रहे सुलमान भाई और ये रहे सुलमान भाई के कजन, फर्स्ट कजन, हताया जान के बेटे। माशाल्लाह, सही गलत है, मैं काम करा तो मैं गोरा बन के जावा पिंड, तो पिंड जाके स्कूल च मैं टीचर लग जा इंग्लिश। ये रहा जी मेफेयर स्पेशल मिल्क शेक, टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं और आपको भी बताते हैं। It's really nice. You are a good cameraman. Thank you. In couple of days, you learn a lot of things about vlogging. What do you think about my English? Your English is good, but there's always room for improvement. Yeah. I'm learning from you. You are my teacher. No, in English. I can never be a teacher. You're always. No. In anything you learn, you're always a student. That's right. Yeah. You're right. But in English, you are my teacher. Why you are very shy guy? In just front of camera? Is camera shy? Is camera shy? Like a Zainul Abidin camera no, shy? No, I'm not. Just go in the kitchen. Yeah. And the gantry will be on the other side. बस ऐसे इंग्लिश बोलनी है जैसे ये भाई बोलते हैं ना, दड़ा दड़। बिल्कुल, आप वैसे बोल सकते हैं लेकिन आप शाही होते हैं। बाहर उधर यार इतनी सोनी बोल रहे थे गोरे के साथ। नहीं, मैंने अभी सुनी है इनकी, बहुत अच्छी है। है तो सही लेकिन जब इतनी इंग्लिश बोलने वालों के सामने बोलनी पड़े ना फिर नहीं आती है। भी आपके कजन है, क्या नाम है आपका? रब नवाज। माशाल्लाह, जनाब हम भी इधर बैठे हुए हैं, हमें भी खिला दें, खुद ही खा लें। अल्हम्दुलिल्लाह जो शेक है वो भी जबरदस्त है, और ये मुझे नहीं पता क्या है लेकिन मजे का। प्यार भाइयों में माशाल्लाह, अल्लाह पाक बरकरार रखे। इंग्लिश विच ਹੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਥਿਸ ਰੀਲੀ ਗੁੱਡ ਸ਼ੈਫ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੋ ਇਹਨੇ ਅਭੀ ਵਫਲਸ ਜੀ, ਦਿਸ ਦਸ ਵਫਲ। ਓਕੇ, ਵਫਲਸ ਹਮ ਕਹਿੰਦੇ ਵਫਲਸ, ਇਧਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਫਲਸ। ਐਕਸੈਂਟ ਕਾ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹਾਂ। Uber Eats से just eat and Deliveroo है। अगर आप लीड से हैं तो आप यहाँ से खाना मंगवा सकते हैं Uber Eats और जो भी मुख्तलिफ ऐप्स यहाँ इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में फूड पांडा इस्तेमाल होता है, खैर आप मंगवा सकते हैं Mayfair Bites। थैंक यू सो मच भाईजान, अभी हम निकलते हैं। लीड्स जो है ये मुख्तलिफ तर्ज का है, ब्रेड फूड जो है ना वो थोड़ी पुरानी तर्ज का है और ये थोड़ी नई तर्ज का है। यहाँ बिल्डिंग्स हैं, ब्रेडफोर्ड में बिल्डिंग्स नहीं है, नॉर्मल घर हैं। ब्रेडफोर्ड में 200, 200, 200, 300, 300 साल पुराने घर हैं। दो तीन
4 और कुछ इधर हैं और कुछ इधर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतना 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 ज्यादा प्यार मिल रहा है ना, ये सारे गिफ्ट्स हैं। इसमें मैनेजर आप सबको पता है, अगर आप में से बहुत सब्सक्राइबर से नहीं मुलाकात हो पाई तो रीजन ये बंदा है, इज द रीजन। आपसे अगर मुलाकात नहीं हुई ना, इस बंदे को पूछे ये यही रहता है। अगर आपको किसी स्ट्रीट पे मिलता है ना, पकड़ के मारे से मेरा छोटा भाई है, तो बहुत बहुत मजा आया उनके साथ। अभी इधर ही है हम, ये मत समझिएगा कि हम वापस जा रहे हैं, अभी थोड़े दिन हैं हम इधर, अभी हम जस्ट वापस आए हैं। बहुत मजे का दिन था अल्हम्दुलिल्लाह। आप यकीन नहीं करेंगे कि जिस दिन से हम आए हुए हैं क्या कर रहे हैं बताओ, बट जस्ट सब्सक्राइबर्स। यूके में कोविड को लेके ना बहुत मतलब हल्ला मची हुई है, तो ये आज क्रिसमस ईव है, कल क्रिसमस होगी, फिर उसके एक दो दिन बाद या 5 दिन बाद कभी भी किसी वक्त भी लॉकडाउन हो सकता है। आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, जान लाबिदीन को दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।